तो ये पेशेंट पिनाइल इम्प्लांट के हैं जिनका हमने 10 दिन पहले सर्जरी की थी। आज हम इनके स्टिचेस टाके निकाल रहे हैं। टाके डिजोल्व होने वाले होते हैं लेकिन निकालना इसलिए ठीक रहता है कि नहीं तो अदरवाइज उनमें छोटी छोटी थोड़ी मोत इन्फेक्शन होती रहती है। तो आप उसको साबुन पानी से हम कह देते हैं 4 दिन बाद धो और उसके बाद 10 दिन बाद टाके निकाल देते हैं। एकदम से जख्म बहुत अच्छा हील होता है। कोई बाहर से आते हैं तो उनको बाहर से निकलवा लेना चाहिए 10 दिन बाद टाके। हमने देखा है इतनी प्रैक्टिस में कि टाके रखना वहाँ पे कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि उसके थ्रू कुछ ना कुछ वो इरीटेट करता रहता है। तो 10 दिन बाद टाके निकाल दिए। पेशेंट हमारे पास 4 साल पहले आए थे, तब हमने 1-2 सेशन पी शॉट के किए थे। इनको इम्प्रूवमेंट हुई लेकिन बीच में किसी कारण से ये नहीं आ पाए और ईडी की समस्या बढ़ गई और अब हमने इन्होंने पिनाइल इम्प्लांट ही कराया है। शादी भी हो चुकी है, होपफुली हम 20-25 दिन बाद ये सेक्स कर सकते हैं। यंग पेशेंट है तो यंग पेशेंट में मैंने देखा है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई स्टडी तो नहीं है, कि ओल्ड पेशेंट्स के मुकाबले ज़्यादा दर्द होता है। शायद उसका रीज़न है क्योंकि इरेक्शन ज़्यादा आती है तो टाकों पे खिंचाव पड़ता है। तो हमने आपकी सर्जरी की थी तो आपको कितना पेन रहा? आपकी वीडियो नहीं लेंगे, सिर्फ आवाज़। सर्जरी के टाइम पे पेन हुआ ही नहीं था उस टाइम पे, बस वही इंजेक्शन लगा था जब पेन हुआ था, फिर महसूस नहीं हुआ। और जब तक दवाई चल रही थी जब तक तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। फिर जब घर गया था तब जैसे सुबह के टाइम पर रिएक्शन होती थी ना, तो एकदम सही जैसे अंडकोश के पास में जैसे ब्लड आता है ना, तो ज़्यादा दर्द होना था। लेटने पे ही हो रहा था, जैसे आँख बंद करके कोई सपने देख रहे हैं या कुछ भी, उसी टाइम पे नहीं वैसा कुछ भी दर्द नहीं। और चलने फिरने में सही था, फोल्ड करने में थोड़ी कुछ दिन तक ज़्यादा दिक्कत थी, अब कम है। और अब जैसी सूजन चली जाएगी तो आदत ही हो जाएगी फिर। ये पेन इसलिए होता है क्योंकि जैसे कॉर्पोरा में टाके लगाते हैं ना, लेकिन पेशेंट की यंग पेशेंट है तो इरेक्शन तो आती ही है, थोड़ी बहुत इरेक्शन आती है, कॉर्पोरा खिंचती है, अंदर टाके लगाए हुए हैं तो हालांकि उसकी मेडिसिन देते हैं हम, थोड़ी नींद की दवाई देते हैं ताकि इरेक्शन कम आए, लेकिन फिर भी यंग पेशेंट में इरेक्शन आती है, इसी कारण से उनको ज़्यादा दर्द होता है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड पेशेंट, क्योंकि उनमें इरेक्शन आती नहीं है तो उनमें इम्प्लांट डाल दिया, बंद कर दिया तो कॉर्पोरा में कोई खिंचाव नहीं होता। ये धीरे धीरे जैसे जैसे टाके अंदर के टाके भी घुलने वाले होते हैं वो घुल जाएंगे तो ये जो इनका पेन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और स्वेलिंग अब पहले से तो कम हो ही गया। अगले आने वाले 10 दिन में पूरी तरह से पेन ख़त्म हो जाएगा और फिर ये अपनी पूरी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अगर सीमन नॉर्मल है तो, जो कि पेशेंट का तो नॉर्मल, हर तरह से लाइफ नॉर्मल चलती है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती और किसी को पता नहीं लगता। ये बहुत बड़ी पेशेंट हमसे पूछते हैं कि इंडियन इम्प्लांट दिखाई देगा, जैसे अब हमने इनका इंडियन इम्प्लांट किया है, इन्होंने नॉर्मल अंडरवियर पहनी हुई है वी शेप, तो उसमें कहीं पर भी नहीं दिखता ये क्या कहते हैं कि एक बार इस तरफ फोकस करना, सिर्फ नहीं आप नहीं, सिर्फ इधर नीचे की ओर फोकस करना, ये जैसे ये उभार सा लग रहा है, तो नॉर्मल ऐसे पेनिस का उभार होता है, ये ट्रैक पैंट में भी दिखाई ज़्यादा नहीं देता है। तो हमने बहुत बार बताई है ये बात कि ऐसे नहीं पता लगता, चलते फिरते बिल्कुल कभी पता नहीं लगेगा, जीन्स में कभी पता नहीं लगेगा, पैंट पहनों के कभी नहीं दिखेगा ये इम्प्लांट, अगर ठीक से किया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, छुपाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और लाइफ तो इसकी लंबी होती है।